हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कि सर्दियों के लिए बहुत ही खास सीजनेबल आंवले की एकदम नई रेसिपी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के लिए हमने 7 से 8 आंवले ले लिए हैं और इसको हमने तोड़ कर 6 से 7 दिन के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ दिए हैं कि आंवले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये आपको इसको उबालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो भी कसेलापन है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप इसको थोड़े से आप 5 से 6 दिन के लिए रख दोगे तो। और इसको हमने एक ग्रेटर ले लिया है तो अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और बिल्कुल नई रेसिपी और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। मैं यकीन से बोल रही हूँ, आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल नई रेसिपी और बच्चे से लेकर बड़े तक इसके पीस उठा उठा के खाएंगे। और आंवला हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें विटामिन सी से भरपूर होता है ये और हमारी जो भी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है। तो इसको इसके ठंड के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। कुछ भी आपको इसको बना कर इसको खाना ही चाहिए। लोग आंवला के मुरब्बा डालते हैं, अचार डालते हैं, कैंडी भी बनाते हैं। तो आज बिल्कुल मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ तो आपके बच्चे से बड़े तक बिल्कुल इसको आसानी से खाएंगे। तो उसको हमने ग्रेट करके साइड में रख दिया और इसमें एक कढ़ाई ले लिए हैं और उसमें 2 चम्मच हमने घी की डाल के एक कप हमने इसमें गेहूं का आटा डाल दिए हैं। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको सेक लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका कलर है जो थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। तो देखिए कलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट, इसका बादाम कलर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कलर की इसकी सिकाई हो चुकी है। तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और उसी कढ़ाई में हमने दोबारा से ले लिए, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी की और डाल देंगे तो टोटल आपकी 5 से 6 चम्मच इसमें घी की लग जाएगी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनेगी। आपके बड़े या बूढ़े सभी को अच्छे से इसको खिलाना है आपको, और आपको अगर स्टोर करके रखना है तो आपको वो तरीका भी मैं बताऊंगी। तो ये देख सकते हैं आंवले को हमने जो ग्रेट करके रखा था उसको हमने डाल दिया। इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। आपको हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए इसको पका लेना है और इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना करें कि इसमें कसेलापन है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 5 से 6 दिन के लिए इसको रख दिए थे। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और यह हमने ले लिया 1/2 चम्मच काली मिर्च ले लिए हैं दरदरी कुटी हुई। तो काली मिर्च भी हमारी शरीर के लिए, आंखों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बन रही है, यकीन से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और सौंठ हमारी शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देती है तो इसमें 1/2 चम्मच हमने सौंठ का पाउडर डाल दिया है। और एकदम बिल्कुल नई रेसिपी बन रही है। आपको आंवले का मुरब्बा या आंवले का अचार, आंवले की कैंडी तो आपने कई तरीके से बना के खाई होगी, बट आज की ये रेसिपी आपने कभी नहीं बना के खाई होगी। इस तरीके से बनाओगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो 5 से 6 मिनट हो चुकी थी, हमारे को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और यह हमने एक ले लिया मिक्सी का जार, तो इसमें अच्छे से इसको दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा पीस के तैयार हो चुका है, ज़्यादा बारीक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो उसी कढ़ाई को हमने दोबारा से रख दिए तो गैस ऑन कर देंगे और यह हमने 1/2 कप इसमें घी गुड़ का ले लिए हैं। और 1 चम्मच इसमें घी की डाल देंगे क्योंकि 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया, 1/2 कप के करीब हमारा आंवले का जो हमने ग्रेट करके तैयार किया था वो है। और इसमें 3 चम्मच आपको पानी की डालनी है। और यकीन से बोल रही दोस्तों, आप इस तरीके से बनाओगे परफेक्ट बनेगी। और आपको स्टोर करने के लिए, अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। इसको आप 6 से 7 दिन के लिए स्टोर करके खा सकते हैं, एक बार बना के 6 से 7 दिन के 1 हफ्ते के लिए इसको खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है, 1 से 2 महीने के लिए, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। बिल्कुल पानी घी डाल के आप इसको मेल्ट करके और जो हमने आंवले का ये बनाया है इसको इसमें डाल देना है। सभी को अच्छे से इसका मिक्स बना के तैयार कर लेना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इसमें अगर स्टोर करना है तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। मैं आपको दोबारा से भी बता रही हूँ। तो जो हमने आटा भी भून के तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो देख सकते हैं मिक्स हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है ये। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। आपको गुड़ को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, नहीं तो आप इसको ज़्यादा पकाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बर्फ़ी हमारे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हम एक थाली में घी से अच्छे से चिकना करके इसमें सेट कर देंगे, इसको जमा देंगे। और ये गुड़ की बनी हुई चीज़ें बहुत ही जल्दी सेट हो जाती हैं। तो देख सकते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कर देंगे, थोड़े से हमने खरबूजा के बीज ले लिए और खसखस से इसको गार्निशिंग कर देंगे कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगे हमारी मिठाई है जो। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम आधा घंटा के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे कि बिल्कुल सेट हो चुके। देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेंगे। तो जैसा आपको पीस पसंद है उसी शेप में आप कट कर सकते हैं। तो देखिए आप कटने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है। और आप इसको इस तरीके से नहीं खाना है तो आप इसका हलवा बना के भी खा सकते हैं, इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमारे सिंपल तरीके से आंवले की बिल्कुल नई रेसिपी अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।